कंपटीशन एस्पिरेंट वेलकम टू द मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल। आज हम एडुटेक्नो मित्रा पर यूपीएससी के 12 बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे और इस क्लास में हम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप आखिरकार अफसर बनने जा रहे हो, इसलिए आपको ग्राफ वगैरह भी तो पढ़ना आना चाहिए। जो आंकड़े हम दर्शाते हैं ग्राफ से या पाई चार्ट से दिखाते हैं, तो वो हमें पढ़ना आना चाहिए। इसलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। कंसीडर दी फोर एज पिरामिड्स गिवन बिलो, यानी ये जो डेथ और बर्थ रेट की ये पिरामिड दिखाए हुए हैं ए बी सी डी, इसको हमने कंसीडर करना है। नेमली ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंटिंग फोर डिफरेंट कंट्री, चार अलग अलग देशों के ये दिखाए हुए हैं। तो इसमें अब ये कह रहा है विच वन ऑफ देम इंडिकेट्स द डिक्लाइन ऑफ इंडिकेट्स द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यानी इनमें से डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग माने घटती हुई जनसंख्या को इंगित करता है, हमने उसको बताना है। ये जो आपका बेस है ना, ये बेस है चारों फिगरों की, ये है बर्थ रेट, और जो आपका ये वर्टेक्स है ये दिखा रहे हैं डेथ रेट, यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वो होगी जिसका बेस छोटा होगा और वर्टेक्स में उसकी विड्थ ज्यादा हो। तो अब हम चारों ग्राफ को देखते हैं तो ऐसी कंडीशन सी में बनती है, तो इसकी राइट ऑप्शन है सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज ये हमारे तीन चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा और एडूला मित्रा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके ऑनलाइन क्लास। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। द फॉलोइंग फिगर हैज फोर कर्व्स नेमली ए बी सी एंड डी, ये चार कर्व हैं ए बी सी और डी। स्टडी द फिगर एंड आंसर द आइटम दैट फॉलो, इस फिगर को स्टडी करो और उसके बाद जो आंसर आ रहे हैं उनको देख के और फिर सही आंसर बताओ। विच कर्व इंडिकेट्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है जो घातांक यानी पावर, उसकी पावर बढ़ती जाए, जैसे एक्स की 2 है 3 होगी, एक्स की 4, एक्स की 5 होगी। तो जब हम चारों इसको कर्व को देखते हैं तो जो डी है, डी देखो, डी ए यही यहाँ पर है आपका 1800 के आसपास और ये 2000, तो यहाँ पे ये एकदम एक्सट्रीमली राइज हो गया, तो इसकी राइट ऑप्शन क्या हुई, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक पाई चार्ट आ गया। ये ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना ग्राफ पढ़ने की, ये आराम से सोल्व हो जाए। विच ऑफ द टू टाउन्स हैज ए हायर नंबर ऑफ पर्सन विद डायबिटीज, आपने ये बताना है इस शहर में डायबिटीज के रोगी ज्यादा हैं, यानी मधुमेह के रोगी ज्यादा हैं, शुगर बोलते हैं। तो अब ये पूछ रहा है इसमें हायर नंबर ऑफ पर्सन, क्वेश्चन पे फोकस करना है क्या पूछ रहा है, और बहुत से बच्चे इसका गलत आंसर दे के आ जाएंगे क्योंकि वो सीधे हम परसेंटेज देखेंगे, इसकी 22% है और इसकी 30% है, वो कहते हैं टाउन बी में, लेकिन भाई यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ये हायर नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है। अब किसी भी टाउन की जो अपनी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन वो नहीं दी हुई है, टोटल पॉपुलेशन नहीं दी हुई है कोई से भी टाउन की, ना ए की दी है और ना बी की, तो आप जो है नहीं निकाल सकते, तो इसकी राइट ऑप्शन है डी, नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रान डाटा इन एडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उसी पाई चार्ट का क्वेश्चन है ये जो ऊपर दिया हुआ था। What can we say about persons with more than one disease from these graphs? जो पाई चार्ट बोल लो या पाई का ग्राफ बोल लो, इनमें से ये कह रहे हैं कि किस टाउन में, ये टाउन ए और ये टाउन बी, किस टाउन में पर्सन जो है मोर देन वन डिसीज। अब आप इनका टोटल करोगे, ये है आपका 13, ये आपका है 18, 31 हो गया, ये आपका 13, तो ये 44% हो गया, ये तीन डिसीज का 44%, इधर है 34, इधर है 22, इन दो डिसीज का हो गया 56%, तो ये आपका 100% हो गया। अब बी में क्या पोजीशन है, बी में 20 है, ये 24 है, तो 44 हो गया, अब 44 में 19 जोड़ेंगे तो 63% हो गया तीन डिसीज का, और उसके बाद दो डिसीज रहेगी 28 और 30 है, तो ये 58% हो गया, ये आपकी परसेंटेज ये 11 हो गया, ये 121% हो गया, यानी ये 100% से ज्यादा गया,
इसका मतलब है दो डिसीज में पेशेंट जो है ना इंक्लूड है, इस कारण ये 100 से ज्यादा गया, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन आएगी बी। देयर आर लाइकली टू बी पर्सन विद मोर देन वन डिसीज इन टाउन, बिल्कुल कितने सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस है ये वेलोसिटी को दिखा रहा है और जो वाई एक्सिस है ये टाइम को दिखा रहा है। इट शोज टू ट्रेन स्टार्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन पैरेलल ट्रैक, आपकी जो दो रेल की पटरियां हैं अब ये एक ही टाइम पे चल रही है दो ट्रेन, ठीक है, और एक ही स्टेशन पे जा रही है, डेस्टिनेशन भी सेम। तो आगे क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू द अबो ग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इस ग्राफ को देखते हुए और जो आगे स्टेटमेंट दे रखी है वो कौन सी इनकरेक्ट है आपने बताना। नंबर एक है, ट्रेन बी हैज एन इनिशियल एक्सेलरेशन ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रेन ए, इसकी स्पीड ज्यादा है स्टार्टिंग से ही, तो पहले वाला तो ठीक है। अच्छा उसके बाद है, ट्रेन बी इज फास्टर देन ट्रेन ए एट ऑल टाइम, बी हमेशा फास्टर रही है, ये हमेशा फास्टर रहेगी तभी तो इसके साथ पहुंचेगी यहाँ टी जीरो टाइम में, यहाँ पर टी जीरो है। अच्छा उसके बाद आ गया आपका थ्री, बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट टाइम टी जीरो, अब ये यहाँ टाइम टी जीरो है, यहाँ पर तो ये जब ये मिलनी है तो यहाँ तो स्पीड जो है ना या वेलोसिटी जो है वो बराबर ही होगी दोनों की, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। और ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इज नॉट करेक्ट, बोथ ट्रेन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन टाइम टी जीरो, ये जो है गलत है, क्योंकि देखो डेस्टिनेशन पॉइंट एक है लेकिन जो ये ट्रेन बी है ये कर्वेचर में गई है और ये गई है स्ट्रेट, तो इसका जो है ना बी का डी बी मोर देन डी ए है, यानी जो डिस्टेंस कवर किया ट्रेन बी ने उसका ज्यादा है, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट गाइस, हमारे तीनों चैनल हैं, अगर आप नए हैं तो तीनों चैनल एडू टेक्नो मित्रा, एम जे मित्रा और एडूला मित्रा को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को जरूर दबाना ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को देखने वाला लाइक करना, आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना और दोस्तों में फॉरवर्ड करना, कोई सजेशन हो तो आप सजेशन दे सकते हो हमारे को और ग्रुपों में शेयर करना। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया। द ग्राफ शोज थ्री एथलीट्स ए बी एंड सी, तीन एथलीट्स दौड़ रहे हैं रनिंग साइड बाय साइड फॉर ए 30 किलोमीटर रेस। आपने देखा होगा जो रेस होती है तो साइड बाय साइड काफी सारे एथलीट दौड़ते हैं और एक डेस्टिनेशन पॉइंट पर उनको पहुंचना होता है। विद रेफरेंस टू द अबो ग्राफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस ग्राफ को देखते हुए और नीचे दी हुई स्टेटमेंटें उनको कंसीडर करना। द रेस वन वाज वन बाई ए, ये तो ठीक है, जिसका ग्राफ नीचे रहेगा यानी वो कम टाइम लेगा, ये टाइम का है एक्स एक्सिस, इसका ग्राफ लोअर रहेगा और कम टाइम लेगा, इसलिए जो है ना ए ने कम टाइम लिया तो ए तो जीत गया। और उसके बाद बी वाज ए हेड मार्क ऑफ ए अप टू 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर का जो मार्क था वहां तक जो है ना ए से बी आगे रहा है, वो तो लास्ट के 5 किलोमीटर में पिछड़ गया। ये देखो अब यहाँ 25 किलोमीटर का ये मार्क, या हम देखेंगे इसको तो जो ना ये तो बी जो है बी आगे रहा है, ये भी ठीक है। और सी रैन वेरी स्लोली फ्रॉम द बिगनिंग, ये बात गलत है भाई, ये हजम नहीं हुई। सी तो देखो उसका ग्राफ बहुत नीचे है इसलिए इसने तो शुरू से बहुत तेज दौड़ना शुरू किया, इसलिए ये चीज सही नहीं है। अब क्या बताना, विच ऑफ दी स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर करेक्ट, आपने यहाँ स्टेटमेंटें करेक्ट बतानी है, अब आपकी वन और टू हुई करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट होगी, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है बी, वन एंड टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो, स्टडी द ग्राफ दैट फॉलो एंड आंसर द थ्री आइटम गिवन बिलो द फिगर, इस ग्राफ को हमने स्टडी करना है और उसके बाद तीन क्वेश्चन आएंगे उनको जो है ना फिर आपने सॉल्व करना है। ड्यूरिंग द पार्टी ए पर्सन वाज एक्सपोज टू कंटेमिनेटेड वाटर, पार्टी चल रही थी और वहाँ प्रदूषित पानी था उसके संपर्क में आ गया। ए फ्यू डेज लेटर, उस दिन के बाद ही डेवलप्ड फीवर एंड लूज मोशन, उसको बुखार हो गया और दस्त, ही स्पर्ड फॉर सम डेज बिफोर गोइंग टू ए डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, शुरू शुरू में उन्हें हल्के से लिया इसलिए वो उससे सफर रहा और डॉक्टर के पास से इलाज के लिए जाने ही पहले ऑन स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, बाद में जब उसको ज्यादा तकलीफ हुई है तब वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। ही सून बिकम बेटर, जब ट्रीटमेंट शुरू होगा तो बेटर भी होगा, एंड रिकवर्ड कम्प्लीटली ए फ्यू डेज
लेट और कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो जो है ठीक हो। द फॉलोइंग ग्राफ शोज डिफरेंट फेजेस ऑफ ए पर्सन डिसीज कंडीशन एज रीजन ए बी सी डी एंड ई। जो ये पूरा वाक्य हुआ, ये घटना घटित हुई, उसका जो है ना ये पूरा इस कर्व से दिखा रहा, जो जो स्टेज। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 था ये, उसमें यूपीएससी के पेपर में। विच रीजन या रीजन्स ऑफ द कर्व करेस्पॉन्ड्स टू इनकम्बेशन फेस ऑफ द इन्फेक्शन, यानी जो उसका संक्रमण उष्मायमान चरण में था, यानी बहुत ज्यादा था, बढ़ रहा था, वो कौन सा है, वो स्टेज बतानी। ये पार्टी जो चल रही थी तो कंटेमिनेटेड वाटर हमने ऊपर पढ़ा, उसके बाद ये हुआ उसका संक्रमण स्टेज, यानी इन्फेक्शन शुरू हुआ, ठीक है। तो इसकी क्या राइट ऑप्शन हुई, ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। दिस रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट दैट द पर्सन बिगेन शोइंग द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी उसको कौन सी स्टेज ये दिखाती है कि उसको सिम्टम काफी नजर आने लगे, अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कौन सी स्टेज है, ये है बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट दैट द ट्रीटमेंट यील्डेड इफेक्टिव रिलीफ, यानी अब वो स्टेज बतानी है कि वहाँ उसको जो है ना इफेक्टिव रिलीफ होने लग गया, इलाज का मतलब काफी फायदा हो गया, वो अल्टीमेटली वो रिकवर भी हो। तो ये स्टेज कौन सी है, अब यहाँ सी से स्टार्ट हो जाता है वैसे ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ तो चला गया ना शिफ्टिंग के बाद, शुरू में दवाइयाँ कम असर करेंगी, उसके बाद ये डी यहाँ पर जो है वो और ज्यादा दवाइयों ने असर करना हो गया, और ई पहुंचते पहुंचते हो बिल्कुल ही रिकवर हो गया। तो इसकी राइट ऑप्शन है सी। गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है, और ग्राफ आप लोगों की ग्राफ रीडिंग और उसका एनालिसिस आप लोगों की समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। और हमारे ये तीन चैनल है, एडू टेक्नो मित्रा जिस पर हम क्लास ले रहे थे, एमजे मित्रा जो है बच्चों का चैनल है, वो भी मैथ पढ़ाते हैं और मनोरंजन करते हैं, और एडू ला मित्रा हमारा जो है ना ला की क्लासेस के लिए चैनल है। तीनों को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, ग्रुपों में शेयर कर देना, लाइक। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी और हमारे चैनल पर बने रहिए, अच्छी अच्छी क्लास आती रहेंगी, थैंक यू।